जी, इस वक्त हम इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में मौजूद हैं। हमारे साथ एक्स वाइस प्रेसिडेंट हैं डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के। आज यहां पर फैसलाबाद में सेकंड इजाज़ फारूक T20 क्लब क्रिकेट चैंपियनशिप 2020 का इफ्तिताह हुआ। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ीशान फारूक क्रिकेट क्लब के प्रेसिडेंट जनाब फारूक चौहान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। फारूक साहब, आज बहुत ज़बरदस्त आपने इफ्तिताह यहाँ पर करवाया टूर्नामेंट का, इस टूर्नामेंट के हवाले से कुछ बताएंगे? ये एजाज फारूक साहब जी पिछले तकरीबन 10 साल से फैसलाबाद क्लब क्रिकेट के लिए वो काविशें कर रहे हैं और वो तकरीबन 8-10 साल से फ्री ऑफ कॉस्ट क्लब क्रिकेट के टूर्नामेंट्स वगैरह में नकद करवा रहे हैं जी। तो इसमें कितनी टीमें जो हैं शामिल हैं इस पूरे टूर्नामेंट में? इसमें 84 क्लब हिस्सा ले रहे हैं जी, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से एफिलिएशन है जिनकी, जिसमें रजिस्टर्ड और प्लेइंग राइट्स वाले सब क्लब शामिल हैं। तो फ्री ऑफ कॉस्ट तो आपने कह दिया, लेकिन ये बहुत बड़ा एक पैकेज है। इससे पहले हसीबुल्ला शाहिद भाई का भी एक टूर्नामेंट 84 टीम्स का चल रहा है, उसके बाद ये भी है। तो आप दोनों टूर्नामेंट को अगर कंक्लूड करें तो आप क्या कहेंगे? ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो है हसीबुल्ला शाह साहब और सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट से एजाज़ फारूक साहब की, ये उनकी दोनों की भरपूर काविश की वजह से ये टूर्नामेंट दोनों मुनक़द हो रहे हैं और ये राणा नीस ग्रुप साहब की तरफ से ये फैसलाबाद के क्लब्स के लिए ये एक तोहफा है। आप आज के जो मेहमान खसूसी थे, मैं अपने मुंह से तो नहीं कहना चाहता, आपसे सुनना चाहता हूँ कौन सी शख्सियात थी? देखें जी, हमारे पाकिस्तान टीम के टेस्ट कप्तान माजिद खान साहब और डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद मोहम्मद अली साहब और MNA जो हमारे खुरम शहजाद साहब और MBA शाहद साहब, वो इस मेहमान ग्रामी थे आज की इफ्तिताही तकरीब के। मैंने आज बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा एक फीलिंग चेक की माजिद खान की वजह से। जब वो मिल रहे थे, आप यकीन करें उनकी चेहरे की रंगत बदल रही थी, बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हैं। और मैं तो ये समझता हूँ कि आपके इस टूर्नामेंट में उनका आना एक बहुत बड़ी फैसलाबाद की कामयाबी है। हाँ जी, इंशाल्लाह जी, वो स्पेशल टूर्नामेंट के लिए इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाए थे और वो बहुत खुश हुए। उन्होंने देखा जब ये सारा प्रोग्राम और जितना इज़्ज़त और प्यार हमारे ग्रुप ने और हमारे साथियों ने और लोगों ने, फैसलाबाद के लोगों ने उनको दिया, वो इंतहाई खुश थे। अब इस टूर्नामेंट के हवाले से कोई आप हमें सजेस्ट करना चाहते हैं किस तरह से इंशाल्लाह ये पाए तकमील तक पहुँचेगा? ये इंशाल्लाह जी, रमज़ान शरीफ से पहले पहले हमने ये दोनों टूर्नामेंट जो हो रहे हैं इसको मुकम्मल करना है। इंशाल्लाह रमज़ान शरीफ से पहले ये दोनों टूर्नामेंट के हमने फ़ाइनल करवाने हैं। बहुत शुक्रिया जी। ये थे मेरे साथ फारूक चौहान साहब और इंशाल्लाह मज़ीद दोस्तों के साथ हाज़िर होंगे आपके पास। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलामुअलैकुम।